ये हमारी LHB कोच की ट्रेन थी जिसमें सेंटर बफर कपलर लगे होते हैं। ये एक उन्नत टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। डिरेलमेंट ज़रूर हुआ लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिनको कि करीब 20-21 लोग हैं जिनको ये औरैया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है और रिलीफ वर्क तो वहाँ पर लगभग पूरा ही हो गया क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी घायल मौजूद नहीं है। जो वहाँ पर स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनके लिए शिकोहाबाद से हमने मेमू चलाई थी और आगरा से एक स्क्रैच रेक चलाया था। ये दोनों वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, शिकोहाबाद वाला पहले पहुँचेगा, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये ए रूट है हमारा और इस डिरेलमेंट की वजह से अप एंड डाउन दोनों ही लाइनें प्रभावित हैं तो उसके लिए कुछ कैंसिलेशन और कुछ डायवर्जन प्लान होंगे जिसमें अभी तक करीब 40 डायवर्जन प्लान हैं और कुछ कैंसिलेशंस भी हैं जिसमें बेसिकली जो वहाँ की सबअर्बन सर्विस की जो मेमोज हैं वो ज़्यादा हैं तो वो कालांतर में उनका अपडेट आता रहेगा, हम आपको अब तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। जाँच तो इसमें होगी ही और जाँच के उपरांत ही पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ था इसमें, लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही है कि वो डंपर गलत तरीके से ट्रैक पर आया, वहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं थी और उसकी वजह से ये डिरेलमेंट हुआ।